सबको जय जोहार। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अभी तो ये लड़ाई है, लड़ाई है। आप सबको इसी जगह लोकसभा चुनाव से पहले मैं आया था, साथ ही हमारे मंचासीन अतिथि यहाँ पर आए थे और आपने दिल से हमारा मान सम्मान किया था, दिल से आपने हमको स्वीकार किया था और दिल से आपने हमको आश्वस्त किया था कि भागीदारा वालों टावर पाड़ी ना कर रहे। और इसी दिन कुछ साथियों ने कहा था अगर बाकी थोड़ा वो टावर अगर पाड़ी ना गंगा तो लापी खवड़ा भी पड़े की जिद। तो आज आप सबकी रात दिन से मेहनत की वजह से भाई शांति थे कि भेजो भेजो बेबिट भेजो। आज आप सबकी रात दिन की मेहनत की वजह से आप सब ने मेहनत से कमाया हुआ पैसा खुद का किराया करके आके माननीय सांसद बनाम जो और साथ ही हमारे बागीदोरा से भाई जय कृष्णा जी को विधायक बनाया और साथ ही हमारे आसपुर दरियाबाद सभी जगह आपने मदद की, मैं आपको तह दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले हम बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे ये जो हो रहा है, ये जो कारवा बढ़ रहा है वो मेरे अकेले या हम बैठे हुए उनकी वजह से नहीं, ये हमारे पुरखों की ताकत है ऐसा लग रहा है। उस ताकत की वजह से ये कारवा बढ़ रहा है। हम एक माध्यम है सिर्फ, हम एक माध्यम है। ये पुरखों का जो अधूरा सपना था उस सपने को साकार करने के लिए कारवा बढ़ रहा है। मैं मंच पे विराजमान हमारे सम्मानित समस्त मंचासीन अतिथि और साथ ही मैं समा चाहूंगा हमारे दो से चार वक्ता बोलना बाकी रहे। एक रमेश जी एक कहीं भजन गावो है, एक हमारे बागीदोरा वाला भाई भी भजन गावो है, तो मो बोलोड़ा बाजी बेगड़ा भजन कहेंगा और आना भजन हाथे से अपने समापन करेंगे। तो मो पहले कही थी कोने नाराज होने की, बाकी बहुत सारे साथी जो बोलना चाह रहे थे लेकिन अपनी परमिशन का फिक्स समय है उस वजह से नहीं बोल पाए। अपना हमारे पुरखे हमारे बाप दादा और आज हमारी पीढ़ी भी अपना जीवन यापन करने के लिए अपने सौरभ बनाबा बल्ले गैर गुजारो सलब्बा बल्ले गुजरात मजदूरी बल्ले पहले भी अब जा आज भी आ रहे हैं। ये मंच पे बैठे हुए इसमें आधे साथी हो सकते हैं और मैंने भी गुजरात में जब आए थे जब स्कूल में पढ़ते थे छुट्टी पड़ती बारे कई जना मेगा छुट्टी पड़ते એટલે વિચાર થતો કે આપણે પાસો એડમિશન થાય એની વ્યવસ્થા કરી આવું થતો। તો મો ભી આવેલો હું ગુજરાત મે મે ભી મજદૂરી કી દીએ આપકે જૈસે હી મેને ભી મજદૂરી કી હે ઇસલિયે યહાં પર રહેને વાલે ભાઈઓ કા દર્દ ક્યા હોતા હે વો મુજે ઓર ઇસ મંચ પે બેઠે હુએ કઈ સાથીઓ કો પતા હે। હમ એક ખાનદાન મે રાજનીતિક રહે कि नेता सोरो नेता नेता सोरो नेता एक कई पैसे वाला नहीं ये नेता बने। हम बिल्कुल कमजोर आम परिवार गरीब परिवार से उठे हुए लोग हैं और वो आप जैसे लोगों की ताकत की वजह से उठे हैं, इसलिए हमको पता है कि आपका दर्द क्या है। इसीलिए मैंने उस समय कहा था और साथ ही हमारे साथियों ने कहा था कि गुजरात में हमारे कोई भी आदमी मजदूरी करे कि एक बिल्डिंग थे कि पड़ी जाए कि एक एक्सीडेंट था जाए कोने ठेकेदार पैसा नहीं आले कई समस्या आवे तो कह जो तू एक ऑफिस खोलो। तो आज वो सपना पूरा हुआ है और आज बिल प्रदेश मजदूर
संघ की ऑफिस अपने अहमदाबाद में खुला दी है, उद्घाटन करके आए हैं हम लोग। और हम यहाँ पर व्यवस्था बढ़ाएंगे, यहाँ पर आदमी रहेंगे एक दो, आपकी आपकी हर समस्या को सुनेंगे और पूरी कोशिश करेंगे आने समस्या का समाधान करवाऊं। हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई मजदूरी कर रहा है, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको मेहनत की उसका पैसा मिलना चाहिए, ये लड़ाई लड़ना चाह रहे हम। देखा है हमने कई इलाके में गुजरात में हमारा आदमी मजदूरी करे लेकिन इन्हें सम्मान भी नहीं मिले, इन्हें स्वाभिमान मतलब ठेस पहुंचाड़ी गई, कई पैसे वाला रही